अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर यानी कि CS301 का लेक्चर नंबर 24। और ये लेक्चर आपका आपके फाइनल टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हमेशा एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, और वो आपका क्वेश्चन होता है डिलीशन इन एवियल ट्री और यूजेज ऑफ बाइनरी ट्री। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि आपका एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो आता किस तरीके से है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट या क्विज फ्री में सॉल्व करवाने हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री में मिल जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इस लेक्चर में। यहाँ पर हम करेंगे एवियल ट्री में से नोड को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो लेट्स हम चलते हैं अपने लेक्चर में, नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक ट्री बनाया गया है, इनमें से वो आपको कह सकते हैं कि आपने इनमें से ये वाली नोड डिलीट करनी है, ये वाली नोड डिलीट करनी है, ये वाली करनी है। आपको इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम आएगी और वो आपको बता देंगे कि आपने ये वाली नोड को डिलीट करना है, और इसके बाद आपने बताना है कि एवियल ट्री किस तरीके से बनता है। तो लेट्स हम चलते हैं, मैं आपको एक रैंडम एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम्पल दी होती हैं वो होती हैं रैंडमली होती हैं, बुक में से नहीं देते वो। तो हम इस तरीके से एक रैंडमली एक ट्री बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये हमने एक ट्री बना लिया, इस तरीके से हम चलते हैं। इस तरीके से हम जाएंगे, और आप किसी भी तरीके से ट्री बना सकते हैं इस तरीके से। ओ सॉरी, अब हम चलते हैं और इन सबको कंबाइन करके एक ट्री बना देते हैं। ये देखें, अभी हमारे पास ये बन गया। हम यहाँ पर इनको आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, वैल्यूज़ इनके अंदर लिखेंगे, और इस तरीके से आपके पास एक ट्री आएगा और वो कहेंगे कि आपने इसमें से ये नोड डिलीट करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है। इन सब की वैल्यूज़ आपको दी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कोई वैल्यू दी होती है और वो कहता है कि आपने केसेस देखे होंगे ना, आपने केसेस मैंने आपको बताए थे कि इसके तीन केसेस होते हैं डिलीट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट विद ज़ीरो नोड, डिलीट विद वन नोड, डिलीट विद टू नोड्स। तो आपने इन केसेस को साथ लास्ट में लिखना होता है। आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएगा और वो कहेंगे कि आपने ये वाली नोड को डिलीट करना है, तो आपने इसको किस तरीके से डिलीट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम करेंगे। हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। और आप देखें, हम इसको इसमें से आप डिलीट करेंगे। अब इसको डिलीट करने का क्या मतलब होता है कि यानी कि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया इस नोड को, तो उसके बाद हमने चेक करना होता है कि हमारी एवियल ट्री किस तरीके से बाद में बचती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर से इसको रिमूव कर देंगे, हमारे पास उसके बाद ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। तो हमने चेक करना है एक एवियल ट्री होती क्या है, जिसके लेफ्ट नोड में से हम राइट को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आए, वन आए या माइनस वन आए। अब हम देखते हैं कि इसके आगे कितनी नोड्स हैं। इसके हैं आगे, ये देखें, इसके आगे एक नोड्स थी, इसके आगे वन और टू नोड्स हैं, इसके आगे दो टू नोड्स हैं। अब हम टू में से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो वन आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर हम इसको यहाँ पर से रिमूव कर दें तो हमारा जो एवियल ट्री है ना वो सेट रहेगा। अभी अगर आपके पास इस तरीके से होता, अगर आपके पास इस तरह होता कि इसके आगे एक और ट्री बना होता, तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, फिर आप इस तरीके से इसको डिलीट नहीं कर सकते थे। फिर अगर आपको वो कहता कि आपने इस ट्री को डिलीट करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी आगे नोड्स कितनी है, इसकी वन टू थ्री, और यहाँ पर हमारे पास बचा थी ज़ीरो। बल्कि आप इसको, हम लेफ़्ट में से राइट को डिलीट करना है ना, तो हम इन टू को भी नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद हमारे पास आंस क्या बचना था, ज़ीरो। हमारे पास आंस इसका बचना था, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग बता दिया। यहाँ पे हमने लेफ़्ट में से राइट को माइनस करना है ना, अगर आपके पास ये नहीं भी है तब भी हम डिलीट नहीं कर सकते। हमने इसको माइनस कर दिया, इसके आगे कितनी नोट्स बच गई, इसके आगे तो कोई भी नहीं रहेगी, इसके आगे के दो हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ज़ीरो माइनस टू करेंगे, ज़ीरो माइनस टू करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो माइनस टू आएगा। तो हम इसको जो है ना डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आंसर आना चाहिए ज़ीरो, वन और माइनस वन। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इस तरीके से, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, हम इस ट्री को फिर इस तरीके से बनाते हैं।
यहाँ पर हमने इसको एक ट्री लिया, उसी तरीके से ट्री लिया और एक ट्री लिया हमने दोबारा यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे एक ट्री लिया और फिर हमने इसको एक यहाँ पे ट्री लेना था। अब हमने क्या करना था, हमने इसको यहाँ पर से डिलीट कर दिया, ये तो बाकी चीज़ें जो हमारी पहले से बनी हुई थी हमने उनको वैसे ही बना देना था। आपने इसको दोबारा से ड्रा करना होता है, दोबारा से आपने इसको ड्रा करना होता है, आपने इस चीज़ को देख लेना है। आपने जस्ट वहाँ पर से रिमूव करके नहीं उनको बता देना, यानी कि अगर आपको ये वाली वो कहते हैं कि डिलीट करो तो आपका आंस इस तरीके से आना है। वो किस तरीके से आया मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये टू ट्रीज थी, हमने इसको डिलीट किया। अब हमने क्या करना होता है कि चेक करना होता है, हमने चेक किया तो हमारे हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या करना होता है, इस ट्री को यहाँ पे ले आना होता है और इस ट्री को यहाँ पे ले आना होता है। आपने देखना है कि जो इससे आगे वाली ट्री होगी उसको हमने पेरेंट बना देना है और जो यहाँ पर होगी उसको हमने लेफ्ट का चाइल्ड बना देना होता है। उसी तरीके से हमने किया, ये वाली ट्री को हम यहाँ पे ले आए और ये वाली थी ये हम यहाँ पे ले आए। ये तो हमारे पास से डिलीट हो चुकी थी ना, इसको तो हमने डिलीट कर दिया था, इसको हमने ख़त्म कर दिया। ये वाली हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई और इसके आगे एक नोट ये वाली बच रही थी, इसको हमने इस तरीके से लगा दिया। मैंने इसको वैल्यूज़ नहीं दी, मे भी आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, लेकिन हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर वो हमें कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस नोट को डिलीट करना है, तभी आपने यही प्रोसेस करना है। आपने इसको तो हम कह ही नहीं सकते, ये पेरेंट नोट है, इसको अगर हमने करना है तो हम इसको करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद जीरो माइनस ये सारे नोट्स को चेक करेंगे, हमारे पास फिर आंस नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको पेरेंट नोट बना लेंगे और इसको आगे नोट्स बना देंगे। इसी तरीके से आपको केस ज़ीरो वाली आए, केस वन वाली आए, केस टू वाली आए, तो आपने इस तरीके से इन सारी नोट्स को बना लेना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा था। आगे हैं हमारे पास इसके यूजेज आ जाएंगे। आपको आई थिंक डिलीट करने वाला सीन की समझ आ गई होगी, आपको फिर भी नहीं आ रही तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और अक्सर वो आपको इस तरीके इतना लंबा छोड़ा प्रोसेस नहीं देते, वो आपको अक्सर एक ऐसी नोट देते हैं जिसको आप डिलीट कर दें तो आप उस तरीके से ट्रीज बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर एक ट्री होती तो फिर आप इसको ईजिली बना सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर इस तरीके से एक ट्री होती, ये देखें, अगर आपके पास ये कहते हैं, वो कहते हैं आपने ये डिलीट करनी है और आपके पास ये वाली नोट ना होती तो हमने इसको क्या करना था, जीरो माइनस वन करना था, हमारे पास आंसर माइनस वन आ जाता तो हमने डायरेक्टली उसको बस रिमूव कर देना था, तो हमारे पास बाकी जो ट्री बचनी थी वो इस तरीके से बची रहनी थी। आपके पास इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड बताया है कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। बाकी इस थ्योरी को आपने स्किप करना है क्योंकि ये थ्योरी आपके किसी काम की नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आता है वो उसी तरीके से आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो उन्होंने बताया हुए थे हम देखते हैं, ये देखें अदर यूजेज़ ऑफ बाइनरी ट्रीज़ को हमने देखना है। अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है। अ करैक्टरिस्टिक ऑफ बाइनरी ट्री इज़ डैट द वैल्यू इन साइड नोड्स ऑन द लेफ्ट ऑफ अ नोड आर स्मॉलर दैन द वैल्यू इन द नोड एंड द वैल्यू इन साइड द नोड ऑन द राइट ऑफ द नोड आर ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ द नोड। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि एक बाइनरी ट्री वो होती है जिसकी जो लेफ्ट की नोड है ना उसकी जो वैल्यू हो वो अपनी नोड से छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास अगर ये वाली एक ट्री बनी हुई है तो जो ये वाली नोड की वैल्यू है ना वो अपने पेरेंट नोड से कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अपनी पेरेंट नोड से, ये लेफ्ट है ना, इसकी वैल्यू अपने पेरेंट नोड से कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या लिखी है, एंड द वैल्यू इन साइड द नोड ऑन द राइट ऑफ द नोड आर ग्रेटर दैन द वैल्यू इन द नोड। तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि यानी कि ये तो छोटी होनी चाहिए लेकिन जो ये राइट पे आपकी वैल्यू होगी ना ये आपकी पेरेंट नोड से बड़ी होगी। आपके पास एक पेरेंट नोड है, जो लेफ्ट पे वैल्यू होगी वो पेरेंट नोड से छोटी होगी, जो आपके राइट पे वैल्यू होगी वो अपने के पेरेंट नोड से बड़ी होगी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना और इसको लाजमी तौर पर आपने देखना है। उसके बाद आपके पास आता है व्हेनेवर, इस चीज़ को आप मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। व्हेनेवर इज़ द वट एवर द इज़ द साइज ऑफ द ट्री द सर्च इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग अप टू लॉग टू एन लेवल मैक्सिमम्स। तो आपने देखना है कि आप जब भी किसी सर्च ट्रांवर्सिंग को अप्लाई करते हैं अपने ट्री पे तो आपको किस चीज़ की कितने लेवल्स की ज़रूरत होती है, तो आपने लॉग टू एन के ज़रिए इनको कैलकुलेट करना होता है। आपके पास ये एमसीक्यूज़ आएगा लॉग टू एन, आपने ये देखना है कि ये आपका बाइनरी ट्री के अंदर होता है। लेकिन आपका एवीएल ट्री के अंदर आपको कितने लेवल्स की ज़रूरत होती है, आपको 1.44 लॉग टू एन की ज़रूरत होती है। आपके बाइनरी में आपको लॉग टू एन की ज़रूरत होती है लेकिन आपके एवीएल में आपको 1.44 लॉग टू एन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को आपने याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रीज़। एक्सप्रेशन ट्रीज़ क्या होती हैं, एक्सप्रेशन ट्री द मोर जनरल फॉर्स ट्रीज़ एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज़ आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंपाइलर।
इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन टीज में हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स यूज़ होते हैं, आपने सिर्फ ये चीज़ यूज़ करनी है। और आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये भी है कि ये C++ और जावा जो है ना लैंग्वेजेस, उनके उनकी कोडिंग में ये यूज़ होती है। जब हम इनमें कोड लिखते हैं ना तो उनमें वहाँ पर ये यूज़ होती है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ए है, ये कहीं पर आपके पास मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पर कुछ अल्फाबेटिक्स आ रहे हैं, तो आपके जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स यूज़ होंगे उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ट्री। आपके पास ये चीज़ आपको याद रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्स ट्रीज इन कंपाइलर। कंपाइलर में पार्स ट्रीज यूज़ होते हैं। कंपाइलर आप में भी आप अगर कंप्यूटर स्टोर नहीं है तो आपको कंपाइलर का पता नहीं होगा। कंपाइलर एक्चुअली में जब हम किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि हमारा कोड ठीक है या नहीं, उस चीज़ के लिए हम एक कंपाइलर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्स ट्रीज के जो कंपाइलर की जो बैकवर्ड प्रोग्रामिंग होती है वो पार्स ट्री के ज़रिए होती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो कंपाइलर की बैकवर्ड प्रोग्रामिंग होती है वो पार्स ट्रीज के ज़रिए होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं पार्स ट्रीज फॉर एन एसक्यूएल क्यूरी। तो ये भी वही चीज़ है, ये ट्रीज जो होती है हमारी क्वेरी को प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होती हैं। आपने डेटाबेस की बुक पढ़ी होगी, डेटाबेस में जो यूज़ होती है ना ट्री, वो आपकी पार्स ट्री यूज़ होती है। डेटाबेस में जो ट्री यूज़ होती है वो आपकी पार्स ट्रीज होती है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर आपके पास ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे इनको पढ़ना है तो आप रीड कर सकते हैं। टाइटल के लिए सिलेक्ट फ्रॉम मार्सन मूवी स्टार वेयर स्टार नेम, इन चीज़ों को आपने अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई चीज़ खास नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारा ये लेक्चर कवर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जो फर्स्ट के 4-5 लेक्चर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्सप्रेशन ट्री और हॉफमैन कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आपने चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई असाइनमेंट या क्विज़ फ्री में सॉल्व करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट और क्विज़ जो है फ्री में सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे डिलीशन वाले सीन को आपने लाजमी तौर पर करना है, आपको 23 लेक्चर्स में आपके पास ये डिटेल के साथ ट्रीज़ बताए गए हैं, आपने उन ट्रीज़ की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।